हेलो डियर स्टूडेंट, आपका यूनिक इंग्लिश क्लास में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपको, जैसे कि प्रोज में दूसरा चैप्टर चल रहा था ए लेटर टू गॉड, तो आज हम ए लेटर टू गॉड के आप शॉर्ट आंसर लिख चुके हैं, उसका एक लॉन्ग आंसर लिख चुके हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस पार्ट से हम दो लॉन्ग आंसर लिखेंगे, तो एक लॉन्ग आंसर आप लिख चुके हैं, दूसरा लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। तो इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं, एक तो लैंचो का और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण करेक्टर है जो वर्कर के सामने आता है, वो है पोस्टमास्टर का। तो इस पार्ट से अक्सर अगर लॉन्ग आंसर दिया जाता है तो केवल इन्हीं दो के बारे में पूछा जाता है, या ज़्यादातर लैंचो के बारे में पूछा जाता है। और अगर लैंचो के बारे में नहीं आता, इस पार्ट से कोई लॉन्ग आंसर आता है, तो दूसरा ऑप्शन है द पोस्टमास्टर, क्योंकि ये दोनों ही इस पूरी स्टोरी में ये दोनों ही करेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ए लेटर टू गॉड का पहला लॉन्ग आंसर लैंचो के बारे में लिख चुके हैं, तो आज हम दूसरे लॉन्ग आंसर के बारे में बात करेंगे, वो होगा पोस्टमास्टर। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपकी बुक से आपके सामने रखूंगा, उन क्वेश्चनों को आपको ऐड करके इसी लॉन्ग आंसर को, यानी कि इसी आंसर को आपको लिखना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपका प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, तो आपको यही जवाब दें, आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है पहला, हु रिसीव द लेटर एंड हाउ डेड, हु रिसीव द लेटर एंड हाउ डेड ही हेल्प लैंचो, हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डेड ही हेल्प लैंचो, यानी कि पत्र को कौन प्राप्त करता है या पत्र किसे मिलता है और वो किस तरीके से लैंचो की मदद करता है, क्वेश्चन नंबर इसमें पहला। इसी में दूसरा क्वेश्चन ऐड कीजिए, हाउ डेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लैंचो, हाउ डेड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लैंचो। अगला क्वेश्चन इसी में ऐड करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में हो 5, हाउ डू यू लाइक द करेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर, हाउ डू यू लाइक द करेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, हाउ डू यू लाइक द करेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर इन द स्टोरी, यानी कि आप पोस्ट मास्टर यानी डाकघर के मालिक, यानी डाकघर के मालिक के चरित्र को आप पसंद करते हैं तो कैसे। ए गिव रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन कारण बताइए योर आंसर माने अपने जवाब में। पूछा गया है कि आप अगर लैंचो नामक या ए लेटर टू गॉड यानी कि एक भगवान को पत्र नामक कहानी में यदि आप पोस्ट मास्टर के चरित्र को पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, कोई रीजन दे करके जवाब दीजिए, मतलब कोई कारण बताइए जवाब जवाब देने के लिए। और इसी में आप अगला क्वेश्चन ऐड करेंगे, कभी कभार किताब में तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार बोर्ड पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है, तो उसमें आपने जो लैंचू वाले में लिखा था वही आपको लिखना, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। आखिरी क्वेश्चन ऐड करेंगे, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर। तो ये आपने चार क्वेश्चन ऐड किए होंगे, तो ये चारों क्वेश्चन में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो आपका जब आंसर यही होगा जो आपको अभी हम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसे समझें और जो लाइन समझ में ना आए उसे आप पूछ लें। आप डिस्कशन तो करते नहीं हैं, जैसा लिखवा दिया जाता आप लिख लेते हैं और ना आप बताते हैं कि आपको लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप ना लापरवाही ना करें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। चलिए तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं। तो आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसी वीडियो के माध्यम से आज मैचिंग भी करेंगे जो हम हमेशा 9th में करते आए हैं। तो चलिए अब आंसर स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे द पोस्टमैन इन द स्टोरी, द पोस्टमैन इन द स्टोरी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ए लेटर टू गॉड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे हम ए लेटर टू गॉड, वाज इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, आगे लिखेंगे वाज ऑफ ए वेरी हम्बल एंड काइंड इन नेचर, वेरी हम्बल एंड काइंड इन नेचर, व्हेन ही सा नेचर के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर लिखेंगे व्हेन ही सा SAWC सा सीन, आपको पता होगा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो ही सा दैट ए पर्सन PRSON पर्सन हैड रिटन ए लेटर,
हैड रिटन ए लेटर एड्रेसिंग, एड्रेसिंग कहलाता है पता, तो ADDRESSING एड्रेसिंग टू द गॉड, एड्रेसिंग टू द गॉड फुल स्टॉप। ही रीड द लेटर, ही है जो आपको पता प्रोनाउन है वो किसके लिए प्रयोग किया गया, पोस्ट मास्टर के लिए, ठीक है। जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ही किसके लिए यूज होगा, पोस्ट मास्टर के लिए। तो ही रीड द लेटर एंड डिसाइड टू हेल्प द इनोसेंट पर्सन, ही रीड द लेटर एंड डिसाइड टू हेल्प द इनोसेंट INNOCENT, इनोसेंट, इनोसेंट कहलाता है निर्दोष व्यक्ति, जिसका कोई दोष ना हो, बहुत मतलब सीधा सज्जन व्यक्ति, उसे कह सकते हैं इनोसेंट। तो इनोसेंट पर्सन, फुल स्टॉप लगाएंगे, यहां से आगे लिखेंगे ही वेरी वेल न्यू, ही वेरी वेल न्यू, NEW वाला न्यू नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे KNEW, नो न्यू नन। नो मीन्स होता है जानना, उसी की सेकंड फॉर्म होती है न्यू और उसी की थर्ड फॉर्म होती है नन, तो हमको KNEW वाला न्यू लिखना है। तो ही वेरी वेल न्यू दैट देयर इज नो एड्रेस, देयर इज नो एड्रेस ऑफ गॉड, देयर इज नो एड्रेस ऑफ गॉड टू विच ही विल डिलीवर, टू विच ही विल डिलीवर, DELIVER, डिलीवर्ड कहलाता है देना, ठीक है। डिलीवर्ड मतलब कि किसी भी चीज को एक जगह पर दूसरे जगह पर पहुंचाना, वो कहलाता है डिलीवर करना या डिलीवरी करना। आगे लिखेंगे डिलीवर्ड लैंचोस लेटर, ही वेल डिलीवर्ड लैंचोस लेटर, लैंचो के बाद अपोस्ट्रोफ एस बनाएंगे, फिर लिखेंगे लेटर यानी लैंचो का पत्र, चलिए फुल स्टॉप लगाएंगे। आगे लिखेंगे हैंस ही डिसाइडेड टू नॉट लेट लैंचो इमोशन, ही डिसाइडेड टू नॉट लेट लैंचोस इमोशन डाउन, लैंचोस इमोशन EMOTION अपोस्ट्रोफी एस इमोशंस, लैंचोस इमोशंस डाउन एंड हेल्प हिम, डाउन एंड हेल्प हिम बाई कंट्रीब्यूटिंग, बाई कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग कहलाता है योगदान, तो लिखिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग की CONTRIBUTING, कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी फुल स्टॉप। बट आफ्टर सीइंग लैंचो सेकेंड लेटर, बट आफ्टर सीइंग लैंचो सेकंड लेटर एवरीवन, सीइंग लैंचो लेटर एवरीवन इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग कहलाता सम्मिलित होना, INCLUDING इंक्लूडिंग द पोस्टमैन फेल्ट, इंक्लूडिंग के बाद फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे द पोस्टमैन फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट FELT, फेल्ट वेरी सैड, फेल्ट वेरी सैड एज ही हैड कंप्लेंड, सैड एज AS वाला एज, ही हैड कंप्लेंड COMPLAINED कंप्लेंड टू गॉड अबाउट द पीपल, टू गॉड अबाउट द पीपल वर्किंग द पोस्ट ऑफिस, अबाउट द पीपल वर्किंग द पोस्ट ऑफिस। तो ये आपका आंसर हो गया, फुल स्टॉप, आंसर आपका फिनिश। चलिए तो आंसर आपने लिख लिया होगा, एक बार इसे हिंदी ट्रांसलेशन में और देख लेते हैं। तो द पोस्टमैन इन द स्टोरी, द पोस्टमैन यानी कि जो डाक घर का जो मालिक है, इन द स्टोरी कहानी में लेटर टू गॉड माने एक भगवान के लिए पत्र, यानी भगवान के लिए पत्र नामक कहानी में जो डाकघर का मालिक है वाज वेरी हम्बल, हम्बल कहलाता विनम्र, बहुत ही विनम्र और दयालु किस्म का, यानी दयालु स्वभाव का व्यक्ति
है, नेचर कहलाता है स्वभाव, यानी कि बहुत ही विनम्र और दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। वैन ही सा जब वो देखता है दैट ए पर्सन की एक व्यक्ति हैड रिटन लिखा है, जिसने ए लेटर माने एक पत्र, एड्रेस इन टू द गॉड माने भगवान के पते पर, जब वो डाकघर का मालिक यानी डाकघर का मालिक जब एक ऐसे पत्र को देखता है जो भगवान के पते पर लिखा गया होता है। ही रीड द लेटर एंड डिसाइड टू हेल्प, ही रीड वह पढ़ता है द लेटर माने पत्र को, तो वह पत्र को पढ़ता है एंड डिसाइड और निश्चय कर लेता है। जब वो पत्र को पढ़ता है डाकघर का मालिक, तो वो पढ़ता है और ये निश्चय कर लेता है टू हेल्प द इनोसेंट पर्सन की वह इस निर्दोष व्यक्ति की क्या करेगा, हेल्प माने सहायता करेगा। इनोसेंट कहलाता है निर्दोष, यानी कि जो स्वभाव से बहुत ही सज्जन हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की क्रूरता ना हो, किसी प्रकार का छल ना हो, निश्चल व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है इनोसेंट। चना तो टू हेल्प द इनोसेंट पर्सन की वो निर्दोष व्यक्ति क्या करना चाहता है, मदद करना चाहता है। ही वेरी वेल न्यू दैट देयर इज नो एड्रेस ऑफ गॉड, ही वेरी वेल न्यू वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है दैट की देयर इज नो एड्रेस की ऐसा कोई पता नहीं है ऑफ गॉड माने भगवान का, भगवान का ऐसा कोई पता नहीं है या भगवान का कोई पता नहीं है। विच ही डिलीवर्ड लैंचूस लेटर, जहाँ वह विच माने जिस जहाँ पर या जिसे ही विल डिलीवर्ड लैंचूस लेटर, जहाँ वो लैंचो के पत्र को दे सके, है ना। तो वो सोच लेता है कि ऐसा कोई पता नहीं है जहाँ उसके पत्र को भेजा जा सके, किसके पत्र को, लैंचो के। हैंस चूकी, हैंस कहलाता है चूकी, इसलिए चूकी या इसलिए ही डिसाइडेड टू नॉट लेट लैंचोस इमोशन, तो नहीं ही डिसाइडेड वो निश्चय करता है कि टू नॉट लेट लैंचोस इमोशन की वो लैंचो की भावनाओं को डाउन नीचे नहीं होने देगा। तो वो निश्चय करता है, निश्चय कर लेता है कि वो लैंचो की भावनाओं को गिरने नहीं देगा, खत्म नहीं होने देगा। जो लैंचो ने पत्र में भावनाएं व्यक्त की थी उन भावनाओं को वो खत्म नहीं होने देगा, गिरने नहीं देगा। एंड हेल्प हिम, और वो क्या करेगा, एंड हेल्प हिम बल्कि क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। बाई कंट्रीब्यूटिंग माने योगदान दे करके, मनी माने पैसे, अपने पैसे से योगदान करके वो लैंचो की भावनाओं को गिरने नहीं देगा, ऐसा वो निश्चय करता है। बट आफ्टर सीइंग लैंचो सेकंड, जब वो अपने कहानी के माध्यम से पढ़ा था कि वो अब पैसा क्या करता है, लैंचो के पते तक भेज देता है, तो जब लैंचो को पैसा कुछ कम मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं उसे, केवल 70 सिक्के, कितने मिलते हैं, 70 सिक्के मिलते हैं, तो वो दूसरा पत्र क्या करता है, लिखता है। तो वही यहाँ से आगे है कि बट आफ्टर सीइंग लैंचो सेकंड लेटर, लेकिन बट लेकिन आफ्टर बाद में सीइंग लैंचो लेटर सेकंड लेटर मतलब लेकिन लैंचो के दूसरे पत्र को देखने के बाद, एवरी वन इंक्लूडिंग द पोस्टमैन, एवरी वन माने प्रत्येक व्यक्ति को इंक्लूडिंग माने उसने सम्मिलित कर दिया था, पोस्टमैन माने पोस्टमैन के अलावा भी दूसरे व्यक्तियों को उसने क्या कर दिया था, सम्मिलित कर दिया था। फेल्ट वेरी सैड, जो सभी क्या हो गए थे, दुखी, पोस्टमैन ही नहीं बल्कि दूसरे व्यक्ति भी ये पढ़ करके दुखी हो गए थे, या उन्होंने उसने सभी व्यक्तियों को उसमें सम्मिलित कर दिया था दूसरे पत्र में। एज ही हैड कंप्लेंट, जैसे कि उसने शिकायत की थी टू द गॉड माने किससे, भगवान से, जिस प्रकार से उसने भगवान से शिकायत की थी, दूसरे पत्र को पढ़ के पोस्टमैन और उस वहां पर काम करने वाले कर्मचारी सभी क्या हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। द पीपल वर्किंग द पोस्ट ऑफिस, द पीपल जो लोग वर्किंग काम करते थे, द पोस्ट ऑफिस माने डाकघर में, जो लोग डाकघर में काम करते थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे, लैंचो के दूसरे पत्र को पढ़ करके दुखी हो गए थे। तो इस तरीके से इस लॉन्ग आंसर का सारांश था, और ये एक चरित्र भी कह सकते हैं कि पोस्ट मास्टर का क्या था, एक चरित्र था। तो आपको क्वेश्चन लिखवा दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप यही आंसर देंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे आज की मैचिंग की। तो इस पाठ में जो मेरे पास बुक उपलब्ध है राजू की है, तो इसमें जितनी मैचिंग दी गई है मैं आपको उसकी मैचिंग करा देता हूँ, और जिन छात्रों के पास इसके अतिरिक्त कोई मैचिंग हो, इसमें दो ही मैचिंग है, मतलब फर्स्ट और सेकंड मैचिंग दी गई है, तो अगर इसके अलावा किसी भी छात्र की बुक में दो से ज़्यादा हैं, तीन हैं, चार हैं, तो वो पिक कैप्चर करके इस ग्रुप के माध्यम से हमें अवगत करा दें कि सर हमारे में इतने ज़्यादा हैं, तो मैं उन्हें डिस्कस करके या तो वीडियो के माध्यम से या फोटो के माध्यम से आपकी उस मैचिंग को सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए मैचिंग डालते हैं, पहली मैचिंग दी गई है, तो पहली मैचिंग डालेंगे, मैच द फॉलोइंग वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद दायर मीनिंग लिस्ट बी। आप लोगों को इसका अर्थ हिंदी पता ही होगा कि जो मैचिंग दी गई है इसका पहले से और दूसरे से क्या करना है, आपको मिलाना है, यानी कि
लिस्ट ए की मीनिंग को लिस्ट बी में मिलाना है, इसे कहा जाता है सिनोनिम्स। ठीक है, इनके सिनोनिम्स आपको ढूंढने। चलिए पहला है एंटायर। एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, तो आप बुक्स को सामने रख लें तो आपको सुविधा भी हो जाएगी। तो एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, तो इस तरफ दिया गया टोटल। टोटल मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। इसके बाद क्रेस्ट, क्रेस्ट माने होती है चोटी, तो पीक मीन्स होती है चोटी। ट्रूली मीन्स अगली मीनिंग दी गई है ट्रूली, ट्रूली माने वास्तव में, तो रियली मीन्स वास्तव में। समझ में आ रहा होगा। बंच कहलाता समुदाय या गुच्छा, तो ग्रुप माने होता है समुदाय या गुच्छा। एविडेंट माने स्पष्ट रूप से, तो क्लियर माने स्पष्ट रूप से। सोलिटरी माने कहलाती है एकांकी या एकांत, तो लॉनली मीन्स होता है एकांत। आपको ये तो पहले ही याद होगा कि मैचिंग आपको आमने सामने ही करनी है, ना कि आपको महाभारत या रामायण का युद्ध नहीं लड़ना उसमें कि आप लगातार तीर चलाते जाएं, तो आपको तीर नहीं चलाने हैं, बल्कि क्या करना है, मैचिंग को आमने सामने ही रखना है। क्योंकि एग्जाम बोर्ड पेपर में भी इसी तरीके से मैचिंग की जाती है। अगर आप लोग अभी से हैबिचुअल हो जाएंगे तीर चलाने के लिए, तो आप वहाँ भी यही मिस्टेक कराते हैं। तो चलिए पहली मैचिंग में इतने ही थी। दूसरी मैचिंग देखिए। अब दिया गया एज, पहली दी गई है एज, EDGE एज कहलाती है। वो AG वाली एज नहीं है, ये एज है EDGE एज। मैंने कहलाता है किनारा तो या अंत, तो एंड माने किनारा या अंत। अगली है इंसेस्ट। इंसेस्ट की है आपकी एम्फेसाइज, ठीक है ना, इंसेस्ट की है एम्फेसाइज। अटर्ड, अटर्ड की होगी आपकी सैड, अटर्ड की है सैड। और सोलरटी आप पिछली वाले में भी देख चुके हैं, सोलरटी की लॉन्ली यानी कि एकांक। तो ये दो मैचिंग थी, तो मैंने आपको दोनों बता दिए, दोनों को आपको फेयरली कर लेना है। और अगर इसके अलावा भी किसी के बुक में इससे ज़्यादा मैचिंग हो, तो वो फोटो उपलब्ध करा दे ग्रुप में, तो मैं उसे या तो ग्रुप उसी मैचिंग को मिला करके आपको फोटो भेज दूंगा, या फिर अगले वीडियो में उसे डिस्कस कर दूंगा। चलिए आप लोग आशा करते हैं आप लोगों से कि वीडियो के माध्यम से जो आपको पढ़ाई दी जा रही है आप उसे पढ़ेंगे, और इस लॉन्ग आंसर, दोनों लॉन्ग आंसरों को अच्छी तरीके से आप लिख लें और उन्हें लर्न भी कर लें, और साथ में ये मैचिंग भी लर्न कर लें। तो इसके बाद हम पोट्री पर, अब यहाँ से पोट्री पढ़ेंगे या सप्लीमेंट्री, जिसमें अच्छी सुविधाजनकता होगी थोड़ी, तो वो शायद आप हम एक या दो पोट्री करेंगे। प्रोज आपने दो चैप्टर खत्म होने को है आज, इसके बाद आप एक या दो चैप्टर मतलब एक या दो पोट्री खत्म करेंगे, इसके बाद आप हम सप्लीमेंट्री पर बात करेंगे। तो पहले पहले और दूसरे पार्ट को अच्छी तरीके से लॉन्ग आंसर, इनके शॉर्ट आंसर, इनकी मैचिंग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें, और अपनी पढ़ाई को निरंतरता बनाए रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अध्ययन अच्छे से करते रहें, किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। धन्यवाद।